मेरा नाम रामजी मिश्र है और इस विद्यालय में मैं 2012 से कार्यरत हूँ, स्नातक वेतनमान में कार्यरत हूँ। क्या परेशानी है आपको सर? परेशानी मेरे पास ये है, हम लगातार 6 साल से छठा साल प्रवेश कर रहा है और हम एक ही वेतनमान में हैं। हमसे जूनियर लोग का प्रमोशन हो गया, हम सीनियर रहते हुए मेरा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन नहीं हुआ। हालांकि सरकार का हम काम 10वां तक पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या योग्यता होनी चाहिए हेडमास्टर के लिए स्कूल में? हेडमास्टर के लिए योग्यता होनी चाहिए स्नातक वेतनमान में 4 साल से अधिक होनी चाहिए। आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए हम विभाग में हर जगह लोगों को 2013 से ही आवेदन दे चुके हैं। वरीय पदाधिकारी का 3-3, 4-4 आदेश हो चुका है, लेकिन अब तक जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। उनका जवाब क्या होता है जब आप सामने से उनसे बात करते हैं? जवाब यह होता है कि कर देंगे, लेकिन सिर्फ समय समय पर टाल मटोल किया जाता है। आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको कैसा लगता है? मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो हम इसमें बहुत अपने आप को ये असहाय महसूस करते हैं और साथ साथ हमारे स्वाभिमान पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है और इसके लिए अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं। अपने करियर में आगे बढ़ता रहना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जब पूर्ण योग्यता हो और फिर भी प्रमोशन न मिले तो यह उस व्यक्ति का अपमान भी है जिसको प्रमोशन नहीं दिया गया, और साथ ही अन्याय है। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को मोबाइल नंबर 85 44 41 16 32 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं हूं सुनील कुमार, ग्राम हरिपुर कृष्ण, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।